चकोर के सामने आया घूंघट के पीछे का राज, इमली की साजिशों का, क्या चकोर फिर बनेगी शिकार? जी हाँ, आज होगा खुलासा इमली के सच का। दरअसल इमली सानवी को गोद में लेकर बैठी गा रही है लोरी। ये कोई आम लोरी नहीं थी, ये नींद उड़ाने वाली लोरी है जिसे सुनते ही चकोर भागी भागी कमरे में आती है और इस बात से अनजान कि घूंघट में बैठी औरत इमली है उससे सवाल करती है। अर्चना, हम कब से तुम सबका नाम पुकार रहे, जवाब क्यों नहीं दिया और लोरी क्यों गा? ये लोरी कैसे आती? अर्चना, हम कुछ पूछ रहे हैं। घूंघट की आड़ में अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में लगी इमली आज चकोर के सामने खुद अपना सच लेकर आई है और इमली को जिंदा देख मानो चकोर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे क्या हुई हो? हाय सागरी। अरे हमारे चंदा नहीं, हम तो री इमलू है, इमलू तेरी छोटी सगी बहन। घबराई चकोर को इमली यकीन दिलाती है कि वो ही उनकी इमली है, उनकी छोटी बहन। जानते तू ऐसे काहे हमसे अलग हो गई, हमारे गाल बहुत सूखे हो गए हैं, अब हम क्या करें? नौकर बन गए हम तुम्हारे घर में, अच्छा लगता है ऐसे अपनी छोटी बहन को नौकर बनाना अपने घर में? नौकर है तो नौकर वाला साबुन इस्तेमाल करते, इसलिए हमारे गाल थोड़े खुजली हो गए। इमली को सानवी की तरफ बढ़ता देख चकोर अपने होश संभालती है और इमली को सानवी से दूर रहने को कहती है। दूर रह हमारी बेटी से, पागल हो गई क्या? इमली, हम सबके साथ जो हुआ वो भगवान की वजह से हुआ, उन्होंने जो चाहा वो हुआ। ये सब कुछ हमारे या तेरे हाथों में नहीं, चकोर इमली से उसकी मौत के बारे में सवाल करती है जिसका इमली हंस हंस कर तानों से भरा जवाब देती है। मेरी गाड़ी को तो आग लग गई, फिर तो जिंदा कैसे बच गए? हम कहाँ बताए तो गाड़ी थी इमाम, हमें महादेव जी की कौन अच्छा होगी? देख हमको लगता है कि हमारे महादेव जी नहीं चाहते कि जब तक तू जिंदा है छोटी बहन बच जाए। दीदी, दीदी बुलाना बंद कर, नहीं हम तेरी दीदी, तेरी दीदी मर चुकी और तू हमारे लिए मर चुकी है। अरे हम सारे कौन सा सौंपने तुमको दीदी बुलाने का? गंदी जो तेरा चेहरा है ना, तुमको बहुत दुख हो गया ना जब हम तुमको दीदी बुलाते, इसीलिए हम जान कर तुमको दीदी बुलाते हैं। हमको कौन सा सौंपनी सच्ची बोल रहे हैं, महादेव की सौंप तो। वैसे आपको बता दें कि ना तो इमली सुधरी है और ना ही सुधरने की ये कोई कोशिश है, ये तो उसकी सोची समझी साजिश है जिससे वो सभी के सामने उन्हें पागल साबित कर सके। क्यों इमली, सही कहा ना? हाँ, क्योंकि मेरा प्लान बी भी रेडी था, मैं जानती थी कि मैं सूरज विवान एंड ऑल ऑफ दैट मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे और इसीलिए, और मैं जानती थी बौखलाई रहेगी साबित करने में लगी हुई रहेगी, पर मुझ तक कभी आएगी नहीं उन लोगों के सामने लाने के लिए। वेल, कहानी में आए इस नए मोड़ से चकोर और सूरज के रिश्ते पर क्या असर होता है ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। हम तो बस यही कहेंगे कि चकोर जल्द से जल्द इमली का सच सभी के सामने ले आइए। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।